दौरान पुल हादसे के लिए भगवान कसूरवार ओरेवा ग्रुप ने कोर्ट में कहा उनकी मर्जी नहीं होगी। गुजरात के मोरबी पुल हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 135 लोगों की मौत हो चुकी है और लाशों को खोजने के लिए अभियान अभी भी जारी है। इस पुल हादसे के बाद कई अधिकारियों की लापरवाही पर कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं, लेकिन पुल की मरम्मत और देखरेख करने वाली ओरेवा कंपनी ने हादसे का पूरा दोष भगवान पर ही डाल दिया। दीपक पारेख ने ओरेवा कंपनी का बचाव करते हुए एमडी जयसु पटेल को अच्छा आदमी बताया। उन्होंने कहा कि हमारे एमडी जयसु पटेल अच्छे इंसान हैं। 2007 में प्रकाश भाई को पुल का काम सौंपा गया था, उन्होंने बखूबी काम किया, इसीलिए दोबारा उन्हें काम दिया गया। पहले भी हमने मरम्मत का काम किया था, लेकिन इस बार भगवान की कृपा नहीं रही होगी। पुलिस ने पुल हादसे में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं ओरेवा कंपनी के 2 प्रबंधकों समेत 4 आरोपियों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। वहीं सरकार की ओर से पुल हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में मामले की न्यायिक जांच को लेकर याचिका दायर की गई है, जिस पर 14 नवम्बर को सुनवाई होनी है। इस पुल हादसे को लेकर एक चौंकाने वाली चिट्ठी भी सामने आई। ओरेवा कंपनी की ओर से जनवरी 2020 में मोरबी जिला कलेक्ट्रेट को एक चिट्ठी लिखी गई थी। इससे पता चलता है कि पुल के ठेके को लेकर कंपनी और जिला प्रशासन के बीच लड़ाई चल रही थी। ओरेवा ग्रुप पुल के रखरखाव के लिए एक स्थायी अनुबंध चाहता था। समूह ने कहा था कि जब तक उन्हें स्थायी ठेका नहीं दिया जाता, तब तक वे पुल पर अस्थायी मरम्मत का काम नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर लौटेंगे खबर से जुड़ी अपडेट के साथ।